पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर घसीटते हुए देखा गया, जहां उन्हें पाक रेंजर्स घसीटकर गाड़ी में बिठा रहे थे, जहां वो दो मामलों में पेश होने के लिए आए थे और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने आईजी अकबर नासिर खान के हवाले से एक बयान जारी कर बताया कि इमरान को अल कादिर ट्रस्ट केस के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने दावा किया कि पीटीआई चीफ को अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया है। इस केस में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर मनी लॉन्ड्रिंग कर 50 अरब रुपए की राशि को लीगल बनाने के लिए एक रियल स्टेट फर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है उन पर। आइए जानते हैं कि क्या है ये अल कादिर ट्रस्ट केस। इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और दूसरे पीटीआई नेता भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो एनएबी की जांच का सामना कर रहे हैं। ये मामला पीटीआई सरकार और एक बिल्डर के बीच लेन देन का है, जिसने कथित तौर पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान के खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाया है। इमरान, बुशरा बीबी, जुल्फिकार बुखारी और बाबर अवान ने अल कादिर नाम से एक ट्रस्ट बनाया था, जिसका उद्देश्य पंजाब के झेलम जिले में अल कादिर यूनिवर्सिटी की स्थापना करना था। 2019 में बुशरा बीबी ने दान लेने के लिए एक प्राइवेट रियल स्टेट फर्म बहरिया टाउन के साथ एक ज्ञापन पर साइन किए थे। खास बात यह है कि इस डील के तहत बहरिया टाउन ने ट्रस्ट को 458 गनाल, 4 मरला और 58 स्क्वायर फुट की जमीन दी थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का आरोप है कि इमरान ने दान की गई जमीन में से 240 कनाल अपनी पत्नी की करीबी दोस्त फरहा गोगी के नाम कर दी। इस जमीन की कीमत कम करके आंकी गई और इमरान ने यूनिवर्सिटी के नाम पर अपना हिस्सा हासिल कर लिया। इमरान खान ने इस मामले को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब इमरान की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन सब के बीच पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल का आरोप है कि इमरान ने मलिक रियाज नाम के बिल्डर को 190 मिलियन पाउंड दिए थे। बाद में उन्हें ये अमाउंट ब्रिटिश अधिकारियों को देना पड़ा ताकि इसकी जांच की जा सके कि ये पैसा पाकिस्तान की किसी आय से था भी या नहीं। मलिक रियाज वही बिल्डर है जिसने उस ट्रस्ट को सैकड़ों एकड़ जमीन दान की, जिसके मेंबर इमरान खान और बुशरा बीबी थे। 2021 में ट्रस्ट को यूनिवर्सिटी के नाम पर करोड़ों रुपयों का दान मिला है। जब पाकिस्तानी मीडिया ने इसका खुलासा किया कि ट्रस्ट को 180 मिलियन पाकिस्तानी रुपए हासिल हुए, जबकि रिकॉर्ड में सिर्फ 8.52 मिलियन रुपए का खर्च दिखाया गया है, तब ये घोटाला सामने आया।